मुझे लगता है कि ये बजट नहीं, ये चुनावी रैली का जो भाषण होता है ना, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये बजट मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि जो ये चुनावी भाषण दिए हैं बजट के माध्यम से, अगर ये जीत कर आए तो ये इसको जुमला बोल करके पार कर देंगे, अगर ये हार गए तो आने वाली सरकार की पक्का तौर से उसकी पिटाई होनी तय है। 5 सालों में इन्होंने जो किसानों को की आय को दुगुना करने का जो सपना दिखाया था वो तो सपना ही रह गया, और अंत में अब हर महीना 500 रुपये ले लो की घोषणा इसमें हमने देख जो आई है टीवी के माध्यम से देखा है। 500 रुपया लो और वोट दे दो, फिर ये जुमला साबित होगा। और जो देश के हमारे शान है, जिसको हम लोग किसान कहते हैं, कृषि प्रधान देश है, आज इस घोषणा से लगता है कि उनको एक भिखारी का दर्जा इन लोगों ने दे दिया है। इस बजट में जो 14 करोड़ के लगभग भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, उनके लिए माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं बोला, उसमें भी मौन रह गए। बेरोजगार युवक जो सड़कों पर भटक रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं दिख रहा, और पीयूष गोयल जी को ने यह भी नहीं बताया कि आज ट्रेन की भाड़ा हवाई जहाज की भाड़ा से क्यों अधिक। 3,000 रुपये में आप 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाइए और 4,000 रुपये में 14 घंटे में दिल्ली पहुंचे, ये भी बताना चाहिए था।